please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर के कुलगांव में एक शहीद पुलिसकर्मी की बेटी उनकी शहादत की खबर पाने के बाद बिलख बिलख कर रोने लगी। इससे पहले आतंकियों ने बड़गाम की एक पुलिस चौकी पर भी हमला कर दिया, जिसमें वहां तैनात जम्मू कश्मीर के जवान शमीम अहमद शहीद हो गए। शमीम अहमद की शहादत की खबर जैसे ही कुलगाम में उनके घर वालों को मिली, वहाँ मातम पसर गया। उनकी मासूम बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस के मुताबिक हथियारों से लैस 6 आतंकियों ने बड़गाम के सोईबग पुलिस चौकी पर हमला किया। वहां तैनात पुलिस वालों ने भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके बाद आतंकी वहां से भाग निकले, लेकिन आतंकियों की गोली से घायल शमीम अहमद ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जो लड़कों ने उसको रिटेलिएट करा, बट अनफॉर्चुनेटली रिटेलिएट करते हुए हमारा जो एक जवान है गार्ड इंचार्ज SGCT शमीम ठोकर, वो शहीद हो गए। शहीद जवान शमीम अहमद को उनके साथियों और अफसरों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। गुजरात के कच्छ में शादी समारोह के दौरान हाथों में बंदूक थामे एक आदमी हवाई फायरिंग करने लगा। शादी के दौरान हवाई फायरिंग का ये वीडियो वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखा कि कौशल नाम का एक आदमी बंदूक उठाकर एक के बाद एक हवाई फायर करने लगा। इस दौरान उसके आसपास लोगों की काफी भीड़ जमा थी और पास में ही फूलों से सजी एक खुली गाड़ी पर दूल्हा और दुल्हन बैठे थे, जबकि दूल्हे की गाड़ी के बोनट पर भी एक आदमी खड़ा था। लेकिन शादी में मौजूद ये आदमी जगह बदल बदल कर फायरिंग करता रहा। हवाई फायरिंग के दौरान एक आदमी उसके पास से लोगों को हटाता हुआ भी नजर आया। कौशल नाम का यह आदमी इससे पहले भी कई बार हवा में फायरिंग का अपना वीडियो रिकॉर्ड कर उसे वायरल कर चुका है। दिल्ली के पास नोएडा के रोटरी ब्लड बैंक में डोनेशन के जरिए जुटाए गए खून की सप्लाई में घोटाले का मामला सामने आया। इस घोटाले का आरोप रोटरी ब्लड बैंक के पूर्व मैनेजमेंट ट्रस्टी सतीश सिंघल पर लगा, जिन पर रोटरी ब्लड बैंक के डोनेशन कैंप के जरिए जुटाए गए खून को गैर कानूनी तरीके से अपने निजी ट्रस्ट को देने का आरोप है। एक ब्लड बैंक के ट्रस्टी ने अपने फायदे के लिए ब्लड बैंक का ब्लड ही बेच डाला। करीब 7000 यूनिट का ब्लड बैंक का घोटाला सामने आया है। इस मामले में रोटरी ब्लड बैंक के मौजूदा ट्रस्टियों ने आरोपी सतीश सिंघल के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 20 थाने में FIR दर्ज कराई। सतीश सिंघल ने अपने कार्यकाल में अध्यक्ष पद पर रहते हुए रोटरी क्लब से लगभग 4 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने घोटाला किया है। खून घोटाले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी। हम लोगों ने इसके ऊपर जांच दोबारा बैठा दी है और जैसे ही रिजल्ट आता है उसका तो आपको बताएंगे। वहीं रोटरी ब्लड बैंक के अफसरों ने पूर्व मैनेजमेंट ट्रस्टी सतीश वालिया पर खून के 7 लाख रुपए के घोटाले का भी आरोप लगाया। आरोप है कि खून की आड़ में किए गए इस घोटाले की शुरुआत 7 साल पहले 2011 में हुई, जब नोएडा रोटरी क्लब ने एक ट्रस्ट बनाकर ब्लड बैंक की शुरुआत की। आरोपी सतीश को उस ब्लड बैंक का मैनेजमेंट ट्रस्टी बनाया गया। आरोप है कि 2011 से 2017 के बीच सिंघल ने डोनेशन कैंपों के जरिए जुटाए गए खून की सप्लाई में भारी गड़बड़ी की और 7000 यूनिट से ज्यादा खून गलत तरीके से अपने निजी ट्रस्ट को दे दिया। बाजार में 7000 यूनिट खून की कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए है। रोटरी क्लब के ट्रस्टियों का आरोप है कि सतीश ने दिल्ली की कई कंपनियों से फर्जी बिल बनवाकर फंड में लाखों रुपए की गड़बड़ी की। पंजाब के फरीदकोट थाने में सादे कपड़े पहने पुलिसकर्मी 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ कर ले जाने लगे। पुलिस ने दावा किया कि ये दोनों संदिग्ध आतंकी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स नाम के एक संगठन के समर्थक, जिन्हें पुलिस ने बठिंडा अमृतसर हाईवे से गिरफ्तार किया। बठिंडा और डबवाली के रहने वाले इन दोनों संदिग्ध आतंकियों के पास से पुलिस ने 2 पिस्तौल और 40 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। पुलिस ने यह दावा भी किया कि दोनों संदिग्ध आतंकियों को पंजाब में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़कर युवाओं को बांटने की साजिश रचने के लिए विदेशों से हथियार और पैसों की मदद मिलती थी। इन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद को एक ग्रुप बनाया है, सब ग्रुप छोटा है, व्हिच इज एफिलिएटेड टू इंटरनेशनल सिख फेडरेशन। उसे ना एफिलिएटेड ने ते इन्हां नूं जिहड़े वेपन दित्ते गए सी ओह टारगेटेड किलिंग्स वास्ते दित्ते गए सी। पुलिस ने दावा किया कि गिरफ्त में आए दोनों आतंकी पिछले साल अक्टूबर में हुई RSS नेता रविंद्र गोसाई की हत्या में भी शामिल थे। यूपी के गोंडा में 2 ट्रकों की टक्कर हो गई। यूपी के गोंडा में हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने से हुई टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के मिर्जापुर में एक प्रेमी जोड़े ने सल्फास की गोली खा ली, जिसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दोनों की मौत हो गई। मेरठ पुलिस ने अकेली महिलाओं को हथियार दिखाकर लूटने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से गहने, नकदी और तमंचे बरामद किए। हिमाचल प्रदेश में वन विभाग ने कुल्लू में एक शिकारी को गिरफ्तार कर उसके पास से तेंदुए की खाल और दांत समेत तमाम सामान बरामद किया।
केदारनाथ धाम के पुरोहित ने मंदिर के आसपास कराए जा रहे निर्माण कार्यों का विरोध करते हुए सरकार से उनको तुरंत रुकवाने की मांग की और नहीं रुकवाने पर धरने की चेतावनी भी दी। हरिद्वार के कणखल में हार्डवेयर की एक दुकान में चोरों ने लाखों का सामान चुरा लिया, लेकिन ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। एमपी के छतरपुर में यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मध्य प्रदेश के सीधी में बाइक सवार तीन लड़कों को एक तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से दो लड़कों की मौत हो गई।